हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और अपनी यूनिवर्सिटी वाली जॉब, स्टूडेंट असिस्टेंट आईसीटी सपोर्ट। और अभी मैं जस्ट यूनिवर्सिटी जॉब पर ही जा रहा हूँ। और अगर आप देख सकते हैं, ये पीछे रेजिडेंस बिल्डिंग्स हैं, तो ये महंगी वाली रेजिडेंस बिल्डिंग्स हैं, राइट। और यहाँ पे ये उनका कलिनरी सर्विसेज वाला पार्ट है, अंदर स्टारबक्स भी है इधर इसी के अंदर, राइट। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा, मरे लाइब्रेरी, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जहाँ पर देखे जाते हैं, मरे लाइब्रेरी और हेल्थ साइंस लाइब्रेरी। तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन की लाइब्रेरीज का भी पता लग जाएगा और अपनी जॉब के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा, आईसीटी सपोर्ट स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब। और वहाँ पे उस जॉब में मैंने ज़्यादा कुछ मेरा काम नहीं होता, बस यही काम होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी हैं, जो कोई भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, कोई भी बंदा, उनको हेल्प करनी ट्रबल शूटिंग इश्यूज़ में, अगर वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनकी जूम की कोई प्रॉब्लम आ रही है, वेब एक्स, किसी भी तरह की, जो आपको पता है आईटी सपोर्ट का काम, राइट। तो वो वाली जॉब होगी, उसके बारे में थोड़ा सा दिखा दूंगा कि कैसे वो जॉब वहाँ पे करता हूँ और क्या क्या चीज़ें उसमें करनी होती हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी के बारे में दिखाऊंगा, लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवन की कैसे है, राइट। वहाँ पे थोड़े स्टूडेंट हो सकते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, तो एग्ज़ाम्स के कारण वहाँ पे थोड़े स्टूडेंट हो सकते हैं, तो शायद मैं बीच में ना बोलूं, तो समझ जाना, राइट। और चलिए आपको, हाँ ये देखो पाइन हॉल, ये है यूनिवर्सिटी की एक और रेजिडेंस, रोटेटिंग व्यू देख लो, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी रेजिडेंस है, वो उस साइड वहाँ पे स्टेडियम है। और हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने नॉर्मल ही ड्रेसअप किया हुआ है, राइट। यहाँ पे आज कनाडा में -3 है, सस्कैचवन में सॉरी, तो -3, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, धूप निकली हुई है, बट वो इंडिया वाली धूप की तरह नहीं है, जो जिसका लाइक सेक भी मिलता हो, राइट। तो वैसी वाली धूप नहीं है, बट -3, इट्स एवरीथिंग इज़ ओके, राइट। ये देखो, ये है ग्राउंड, यहाँ पे समर में फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा है ग्राउंड, राइट। यहाँ पे सॉकर खेल रहे होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सॉकर कहा जाता है, फुटबॉल नहीं बोलते, फुटबॉल बोलोगे तो वो रग्बी वाला फुटबॉल समझते हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, इन द लाइब्रेरी, सी एफ यूनिवर्सिटी। हे गाइस, सो हम अभी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आ चुके हैं। मैंने मास्क पहन रखा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में मास्क के बिना अलाउड नहीं किया है अभी, बाहर से सस्कैचवन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप बिना मास्क के रह सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी ने मना किया। तो एनीवेज, लाइब्रेरी का शुरू करते हैं, राइट। तो ये देखो लाइब्रेरी, मरे लाइब्रेरी की यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से नीचे टनल जाती है एक आर्ट्स एंड साइंस बिल्डिंग को, बट वो लाइब्रेरी के पार्ट नहीं है तो नहीं दिखा रहे। और यहाँ पे नॉर्थ विंग है ग्राउंड फ्लोर का, तो इस साइड पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ लॉकर्स हैं जो आप सामने देख सकते हैं, वो स्टूडेंट खरीद सकते हैं, पर आगे कोई रूम्स हैं वो लाइब्रेरी वालों के लिए होते हैं, राइट। यहाँ पे ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं कि किस टीचर को क्या अवार्ड मिला उसके रिगार्डिंग, बट द मेन पार्ट इज लाइब्रेरी हेयर है, यहाँ पर है। तो लेट्स गो। तो ये देखो, ये है लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचवन, मरे लाइब्रेरी। फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता हूँ आपको अभी, फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर जॉब करता हूँ मैं, राइट। तो अभी नीचे वाले फ्लोर पे मैं बाद में आऊँगा, बट अभी आपको पहले फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरी वैसी लाइब्रेरी नहीं है, इसमें क्वाइट जोन भी होता है, क्वाइट जोन में आप जाके पढ़ सकते हैं, राइट। क्वाइट जोन वो इस साइड होता है, राइट। अदरवाइज ये जो एरिया है, ये देखो मरे लाइब्रेरी, राइट। ये जो एरिया है, ये यहाँ पर आप देख लो, दिस इज आवर मेन फ्लोर ऑफ मरे लाइब्रेरी। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर मेन है, ये है लाइब्रेरी का व्यू। तो मैं सबसे पहले बैग रख देता हूँ नीचे, राइट।
यहाँ पे मेरी आईटी जॉब होती है, यहाँ पर बैठ के मैं काम करता हूँ, और यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट स्टाफ होता है, राइट। ये देखो आईटी सपोर्ट, और यहाँ पर मैं बैठूँगा, और ये एलिवेटर्स, राइट। आगे आपको दिखा देता हूँ, ये है लर्निंग, मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग रूम, राइट। तो यहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, राइट। ये LCD के साथ आप लैपटॉप, यहाँ वाइट बोर्ड्स भी हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को कुछ समझाना है वो यहाँ से समझा सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए ही है, स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। दे जस्ट हैव टू लॉग इन। तो बाकी ये है रूम, लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग रूम, और ये सारे जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो जैसे मर्जी वो यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। वो एक स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम टाइम है तो पढ़ने आया हुआ है। ये स्टूडेंट के लिए प्रिंटर्स, राइट। हाँ, और ये है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हेल्प सेंटर। यहाँ पे आपको अगर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, राइट। इस रूम में तो कोई ना कोई ट्यूटर आपको हेल्प कर देगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको राइटिंग सेंटर भी मिलेगा, लाइक अगर आपकी कोई राइटिंग क्लास है तो उसके लिए यहाँ पर आप हेल्प लेने आ सकते हैं, राइटिंग हेल्प। और ये उसकी अभी फ़िलहाल की टाइमिंग्स है, राइट। तो या यहाँ पे स्टूडेंट बैठते हैं, देखो काफ़ी अच्छा है, राइट, नॉट बैड। बीच में ही पेड़ पौधे, बीच में ही पढ़ाई, बीच में ही ये है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये अभी मैगज़ीन एरिया आ गया, तो अगर आपको मन है आप मैगज़ीन वगैरह पढ़ सकते हैं। ये टेबल्स, अगर ग्रुप इतने बैठना है तो उनके लिए, राइट। तो आगे ये प्रिंटिंग मशीन है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, लाइक स्टेशनरी का थोड़ा सामान, USB, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें। तो वेंडिंग मशीन यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ये सेम कंप्यूटर एरियाज, राइट। और आई डोंट नो ये क्या है, बट इसके अंदर कुछ चाइनीज़ में लिखा होता है, सो यू कैन लाइक, ऐसे कुछ होता है क्यू कार्ड से, अब बट मेरे को मालूम नहीं है क्या है, तो आई डोंट नो। तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं, जैसे ये देखो एलुमिना कंप्यूटर्स, राइट। और जो पर्पल स्ट्राइप वाले हैं वो पब्लिक कंप्यूटर्स हैं, लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी के बाहर वाला बंदा भी यूज़ कर सकता है उन्हें। यहाँ से आप नीचे जाते हैं, राइट, ये उधर डोर है, वो वहाँ पे स्टाफ ही जाता है, ओके। और ये कुछ बुक्स हैं, मैंने कभी नहीं देखी, आई लाइक कभी कभी ये स्टडी करने आता हूँ, स्टडी भी क्या, ऐसे ही देखता हूँ। और तो मेंस वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, राइट। तो वॉशरूम इज़ लाइक दिस, है ना, यहाँ से। और दूसरी साइड है यहाँ पर लॉकर्स, अगर आपको लॉकर्स ख़रीदने हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, अंदर से ऐसा होता है लॉकर, राइट। तो ऐसा लॉकर मिलेगा आपको हमारे लाइब्रेरी के अंदर। चलो लेट्स गो आउटसाइड और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, वीडियो लंबी होने वाली है, सो बेयर विद मी। ये वुमेन वॉशरूम है इधर। तो यहाँ पर अगर आपको वाइट बोर्ड की ज़रूरत है और ग्रुप में स्टडी कर रहे हो तो इन चेयर्स पे आप बैठ सकते हो, राइट। ये है लाइब्रेरी का एक और पार्ट। तो किसी ने उधर वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो इसलिए। ये देखो यहाँ पे आप क्ले से अगर कोई आर्ट वगैरह बना सकते हो, बनाना चाहते हो, थोड़ा उन्होंने सामान दे रखा लाइब्रेरी वालों ने। और ये इनको पॉड्स बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड ग्रुप सेटिंग चाहते हो तो इनके अंदर आके आप पढ़ सकते हो। इनको आपको बुक नहीं करना होता, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हो,
राइट। और लेट्स गो टू अभी ऊपर वाला फ्लोर। तो यहाँ पर आप लाइक आराम से चिल माहौल बातें शातें करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये देखो अभी एक पज़ल लाइब्रेरी वालों ने एग्ज़ाम टाइम में दे रखा है स्टूडेंट्स के लिए, और एक पीस मिसिंग है इसमें से, बाकी एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। वेरी नाइस। मैंने भी कुछ कंप्लीट, मैंने इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये बनाया था, तो आई लाइक्ड इट। और ऊपर भी जाते हैं, उससे पहले ही आपको मैं नॉर्थ विंग दिखा दूँ, वो क्वाइट जोन है वहाँ पे, लाइक अगर आप चुपचाप पढ़ना चाहते हो तो वो वाले एरिया में पढ़ते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो बातचीत वगैरह करते हैं। तो क्या है कि वो दूसरे एरिया में बातचीत वगैरह आप कर सकते हो, राइट, बट क्वाइट जोन में आपको लेके जाता हूँ और क्वाइट जोन का रूम दिखाता हूँ। तो ये है गाइस क्वाइट रूम। तो ये है क्वाइट रूम। यहाँ पर अगर आप लाइक शांति से पढ़ना चाहते हो तो इस रूम में आ सकते हो आप। ये है, ऐसा दिखता है, राइट, छोटा है, नॉर्मल है, बट दिस इज इट। तो चलिए अब थर्ड फ्लोर पे जाके मिलता हूँ आपको। थर्ड फ्लोर लाइक लाइब्रेरी के 6 फ्लोर हैं। तो गाइस अभी हम 6 फ्लोर पे जा रहे हैं। लाइब्रेरी में 6 फ्लोर हैं, बट सेकंड फ्लोर जो लाइक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर सब सिमिलर हैं, सब का सेम ही काम है। वहाँ पे भी आप अगर आप शांति से पढ़ना चाहते हो, लाइक धीरे धीरे बात कर सकते हो, बट अगर शांति से पढ़ना तो इन फ्लोर पे आप पढ़ सकते हो, राइट। तो हम आ गए हैं 6 फ्लोर पे। ये देखो 6 फ्लोर की एंट्रेंस, राइट। और थर्ड फोर्थ यू नो बाकी वाले फ्लोर भी ऐसे ही हैं। तो आई डोंट नो यहाँ पे अभी कोई आया है कि नहीं, बट फिर भी ये देखो दिस इज हाउ द 6th floor लाइब्रेरी सेटिंग इज, राइट। बेतहाशा आपको बुक्स मिलेंगी, राइट। मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, राइट। तो आप किसी लाइब्रेरी एसोसिएट की हेल्प ले लेना अगर आपको कोई बुक वगैरह पढ़नी है। तो ये मिलेंगे आपको कॉमन सेक्शन, तो यहाँ पर ये आप यूज़ करते हैं, ये आपको पूरे 6th floor में मिलेंगे, राइट। तो जैसे कि ये जैकेट के लिए, राइट, अगर आप कुछ लटकाना चाहते हैं तो, और ये ऐसे अगर आपको थोड़ा सा ओपन भी चाहिए, ऐसे कंजेस्टेड फील होता है उनमें, तो ये वाली डेस्क आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 6th floor, और 4th, 3rd floor सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया। वहाँ पे उस साइड पे आपको दिखा देता हूँ, उस साइड पे कुछ सेम है, उस साइड पे कुछ खास नहीं है, बस वहाँ पे आपको थोड़े से सोफे वगैरह मिलेंगे, सोफा लाइक कुछ यार मैं भूल गया, वो सोफ़ा चेयर, तो वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं ऐसे, राइट, हैव अ कप ऑफ टी, टिम हॉर्टन। तो वो उस साइड जहाँ से अभी हम आए हैं। और भी लाइब्रेरीज हैं, ये नहीं है लाइब्रेरी सिर्फ, बट यहाँ पर ये वन ऑफ द बिजीएस्ट वन है, सब वन ऑफ द बिजीएस्ट लाइब्रेरीज हैं, तो उसकी वीडियो बना रहा हूँ, ओके। तो अभी गाइस चलो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे चलता हूँ लेकर, उसकी वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर भी देख लो लेफ्ट साइड ऑफ 6th floor, तो यहाँ पर ऐसी सेटिंग है, प्लग्स हैं साथ में कुछ अगर चार्ज वगैरह करना है, राइट। कूल है, साफ सुथरा है, तो अगर आपको चुपचाप पढ़ना खुद अच्छा लगता है इंडिपेंडेंटली, तो आप इधर आ सकते हैं टॉप फ्लोर्स पे। तो अभी चलो लेट्स गो टू ग्राउंड फ्लोर, उसके बारे में दिखाता हूँ। सी यू एट ग्राउंड फ्लोर। सामने यहाँ पर लाइब्रेरी की आप बुक्स वगैरह, यहाँ पे लाइब्रेरी स्टाफ होता है लिखा हुआ है, जहाँ पे रिटर्न्स चेकआउट, यहाँ पे लाइब्रेरी स्टाफ से आप मिलके कोई भी असिस्टेंस अगर आपको चाहिए वो ले सकते हैं,
ये यहाँ कुछ हर वीक नई बुक्स होती हैं, थीम्ड बुक्स रखी होती हैं, और यहाँ पे ये अभी एग्ज़ाम टाइम में लिखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे उसके बारे में लिखा हुआ है, और सब लोगों ने अपना अपना रिस्पांस दिया हुआ है। और ये जैसे कि ऊपर सेम कंप्यूटर्स और यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंटर्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं स्कैनिंग, प्रिंटिंग, कॉपिंग, फोटो कॉपिंग, ऑल दीज थिंग्स ये सब कर सकते हैं। और यहाँ पे रिटर्न लॉस्ट सामान, वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, राइट। और इस सेक्शन में आगे अभी है मेंस वॉशरूम, और ये अभी मेंस वॉशरूम और वुमेंस वॉशरूम, और सामने वो एलिवेटर जो ऊपर आपको दिखाया था कि वहाँ से ऊपर से नीचे आ सकते हैं। और अभी हम जाएंगे ये कॉमन एरिया में, सिटिंग एरिया। यहाँ पे आपको बच्चे, ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के, एग्ज़ाम टाइम जैसे कि बताया चल रहा है, तो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो सेटिंग ऐसी है, सोफा साइड में, और यहाँ पे अगर आपको लैपटॉप वगैरह रख के पढ़ना है, टेबल सब कुछ आपके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे कंप्यूटर्स डेस्कटॉप्स कम है, ऊपर वाले फ्लोर पे जैसे कि आपने देखा बहुत ज़्यादा हैं, तो बट यहाँ पे कम है, फिर भी हैं, तो अगर आपको डेस्कटॉप यूज़ करना है साइड में, ये भी आप कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे यहाँ पर बैठ के लैपटॉप रख लेते हैं इनके ऊपर, और दे एंजॉय देयर कॉफ़ी, और फिर साथ में पढ़ाई करते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। ये देखो सोफ़ास, राइट। तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे, ये आ गया स्टारबक्स वाला सेक्शन, राइट। स्टारबक्स, ये जो सिटिंग एरिया है ये सब स्टारबक्स का है, स्टारबक्स का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये लोगो भी है स्टारबक्स का, ये है स्टारबक्स। ये मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, यहाँ ये यूनिवर्सिटी के अंडर ही है, आप कभी भी यहाँ पर आके कुछ भी बाय कर सकते हैं। 6 बजे तक खुला होता है स्टारबक्स हमारे लाइब्रेरी के अंदर, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ड्रिंक्स लेके यहाँ पे चिल करते हैं थोड़ा सा, राइट। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे स्टडी रूम्स, ये आपको ऑनलाइन बुक करने पड़ते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इनको स्टडी रूम्स बोलते हैं इन, ये आपको बुक करने होते हैं, और ये वीकली आप 2 ही बार बुक कर सकते हैं, और ये आप मैक्सिमम 2 घंटों के लिए या कॉन्जिक्यूटिवली लगातार 4 घंटों के लिए ही बुक कर सकते हो। अंदर से ऐसा दिखता है, ये LCD मिलेगी आपको, आपको वाइट बोर्ड भी मिलेगा, आपको अगर कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह समझने के लिए लिखने हैं, एक दूसरे को समझाने हैं, तो ग्रुप स्टडी रूम में आप यूज़ करके तो आप ऐसे स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो या ये आप पॉज पे बुक कर सकते हैं, और या दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर, दैट्स इट। गाइज, ये था मेरा व्लॉग अबाउट मरे लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लाइब्रेरी थोड़ी सी वैसी नहीं है कि आप डेडिकेटेडली लाइब्रेरी में जाएंगे और चुप्पी शांत कुछ बोलना ही नहीं है, तो वैसी लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा और लाइक मिक्स्ड है। अगर किसी को शांति में पढ़ना है उनके लिए शांत वाली प्लेसेज हैं, अगर किसी को थोड़ी सी गपशप भी लड़ानी है साथ में, थोड़ा लाइक चिल वाला काम करना है, तो वो सब कर सकते हैं। तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, और बाकी लाइब्रेरी, बाकी बिल्डिंग्स की भी मैं वीडियो बना दूंगा, और आपको उनका भी एक आगे व्लॉग मिल जाएगा। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।